तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास, तेरे पूजन से बढ़ता है हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। प्रातः काल को जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम, परिक्रमा तुलसी की करता, उसके होते पूरण का। रुग्णाशिनी गुणकारी है औषधों में तुलसी ना, नित्य सुबह जो सेवन करता, उसके मिटते ज्ञान। अमृत रस पीकर पावन होता है तन मन, तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है। घर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती है। नमस्ते, मैं यामिनी जैन, मैं अपने हमारे स्कूल विद्यालय में तुलसी जयंती दिवस मनाया गया, उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो तुलसी दिवस मनाया जा रहा है वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है, और मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप तुलसी जयंती बनाइए और क्रिसमस डे को त्यागी है। इसी पर मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि तुलसी जो आज हमको हर घर में देखने को मिलता है, तुलसी का पौधा जो कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, तो बस मेरी यही कामना है कि ये तुलसी दिवस न कि हमारे भारत देश में बल्कि पूरे विश्व भर में मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। हरिओम प्यारे भाई बहन, हमने आज हमारे विद्यालय में ये तुलसी दिवस का पर्व मनाया। मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस विद्यालय में पढ़ती हूँ जहाँ ये तुलसी का पौधा है जिसे एक माँ की उपलब्धि दी गई है। तुलसी के पौधे से मतलब अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि किसी की कोई बीमारी हो जाती है तो वो इस पौधे की औषधि बनाकर ले तो उसे बहुत फायदेमंद। हर कोई अपने घर में, हर कोई अपने आंगन में इस तुलसी के पौधे को जरूर लगाए। मैं भी ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने घर में जाके और ये तुलसी का पौधा जरूर लगाऊंगी। आप सभी लोगों ने तुलसी के महत्व को जाना, किस प्रकार से वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है, हमारे बौद्धिक शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाती है। आशा है, पितु पूर्ण विश्वास है। नमन करो इस धरती को जिसका गुण हर कोई गावे, और देव भी तरसे ये धरती ने बड़े भाग से पावे। ये धरती नमन करने योग्य है क्योंकि इस धरती में कण कण भगवान का वास माना जाता है, यहाँ के प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर नीम को भगवान माना जाता है, पीपल को भगवान मानकर उसकी पूजा की जाती है, वैसे ही 25 दिसंबर को हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर घर में तुलसी का बहुत ही सुंदर तरीके से पूजन किया जाता है। और कहते हैं कि हिला दे तख्त ताज उसे भगवान कहते हैं, और बदल दे तकदीर तस्वीर की उसे भगवान कहते हैं, और मिटा दे गरीबी उसे धनवान कहते हैं, और 25 दिसंबर को अपने घर में
तुलसी माँ की पूजा करे उस शख्स को महान कहते हैं। महान कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो आध्यात्मिक, पर्यावरण एवं वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे को स्पर्श कर ले तो तन सवर जाए और सेवा कर ले तो मन सवर जाए और 25 दिसंबर को इसका पूजन कर ले तो पूरा जीवन सवर जाए, पूरा जीवन सवर जाए। तुलसी पूजन से आज हमने ये अनुभव पाया कि वास्तव में हमारे घर में हर समय हर वक्त ऐसे महान पौधे का पूजन होना चाहिए, क्योंकि आज जब हमने ये अनुभव किया कि किस तरीके से देखो बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा एवं शिक्षिकाओं के द्वारा कितने सुंदर तरीके से जब पूजन हो रहा था, तो मेरा मन ये कह रहा था कि ऐसा पूजन न केवल विद्यालय में अपितु हमारे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में होना चाहिए, हर घर घर में होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत। कमल किशोर कुमावत, डायरेक्टर गुरुकुल शिक्षण सेवा एकेडमी। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कुचामन योग वेदांत सेवा समिति को, जिन्होंने जो संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से ये 25 दिसंबर को तुलसी पूजन प्रोग्राम विश्वव्यापी करने का प्रयास जो किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में जो यहाँ पर प्रयास हुआ है, मैं बहुत ही हार्दिक आभारी हूँ जो यहाँ के विद्यालय के बच्चों को एक ऐसी प्रेरणा जो अभूतपूर्व प्रेरणा थी, ऐसा कार्यक्रम जो तुलसी की महिमा को उजागर के करके और संस्कृति की सेवा सभी के दिलों में जगाने वाला।